अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की पहली जमात सबक 14 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 14 में दिए गए हैं हमारे मददगार। ये सब तस्वीरें हैं, ये सब हमारे मददगार हैं, यानी आवर हेल्पर्स। ये हमारी मदद करते हैं। हम देखेंगे कि ये सब हमारी किस तरह से मदद करते हैं। ये उस्तानी हैं, ये कह रही है कि मैं एक उस्तानी हूँ, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। ये स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, तो ये पढ़ाकर बच्चों को उसकी मदद करती है, जिससे पढ़कर बच्चे अच्छे इंसान बनते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, अपनी मकसद में कामयाब होते हैं, बड़े आदमी बनते हैं। तो ये पढ़ाकर बच्चों को इस तरह से उसकी मदद करती है। तो ये हमारे मददगार हुए। ये तस्वीर में हम देख सकते हैं ये डॉक्टर है। ये कह रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं मरीजों का इलाज करता हूँ। और ये मरीजों का इलाज करता है, मरीज जो बीमार होते हैं उसे ये ठीक करते हैं, उसका इलाज करते हैं, जिससे बीमार आदमी ठीक हो जाता है और सेहतमंद हो जाता है। तो ये इस तरह से हमारी मदद करते हैं। हम अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारी मदद करते हैं और हम फिर से सेहतमंद हो जाते हैं। तो ये हमारे मददगार हुए। ये तस्वीर है डाकिया की। ये डाकिया है, ये हमारी मदद करते हैं। ये कह रहा है कि मैं एक डाकिया हूँ और मैं घर घर डाक बांटता हूँ। ये घर घर डाक बांटते हैं। अगर हमें कोई कागज़ कहीं भेजनी होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, डाकखाना जाकर उस पते पे उसको भेज देते हैं। तो वहाँ से डाकखाना से उस घर जिस पते पे हम भेजते हैं उस पते पे पहुँचाने के लिए ये हमारी मदद करता है। ये वहाँ से डाकखाने से वह हमारे डाक को लेते हैं और वो जाकर उस पे लिखे पते पे उसे पहुंचा देते हैं, जिससे हमारी काम आसान हो जाती है और हमें फ़ायदा होता है। वक्त पे वो उसे मिल जाता है, या हमारे ही पास कोई कागज़ होती है आना ऑफिस से, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो ये हमारे काम आते हैं। हमें वक्त पे हमारे कागजात को हमारे घर तक ये पहुंचा देते हैं, जिससे हम वक्त पे अपना काम को पूरा कर लेते हैं। तो ये हमारी मदद करते हैं, ये हमारे मददगार हुए। ये दर्जी है, ये कह रहा है कि मैं एक दर्जी हूँ, मैं लोगों के कपड़े सीता हूँ। ये कपड़ा सीता है, जिससे लोगों की मदद होती है। जैसे ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए उसका स्कूल यूनिफॉर्म सिल कर देते हैं, जिससे बच्चे पहनकर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये उसकी मदद करते हैं। ये कपड़े सीता है, ये दर्जी है, तो ये इस तरह से हमारी मदद करते हैं। ये कह रहा है कि मैं एक बार्बर हूँ, मैं बच्चों के बाल काटता हूँ। ये बार्बर है, ये बच्चों के बाल काटते हैं। ये बाल जब बाल देखते हैं कि ये बढ़ जाता है, तो उसको काटने के लिए, छोटा करने के लिए ये हमारे मदद करते हैं। ये हमें बच्चों के बाल को काटकर उसे सुंदर बना देते हैं। बाल जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे अच्छे नहीं दिखते, गंदे दिखते हैं। ये उसे अच्छे से शेप में बना देते हैं, काट देता है, जिससे ये बच्चे अच्छे दिखते हैं और हमें और बच्चे को कोई दुखता भी नहीं है, बच्चे सुंदर दिखने लगते हैं। तो ये इस तरह से उसकी मदद करते हैं। तो ये मददगार हुए। सबको अच्छे से नोट कर लेना कि हमारी पढ़ाने में जो मदद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उस्तानी। जो इलाज करने में मदद करते हैं उसे हम कहते हैं डॉक्टर, और जो डाक पहचाने में मदद करता है उसे हम कहते हैं डाकिया, जो कपड़े सिल कर देता है उसे हम कहते हैं दर्जी, जो बाल काटता है उसे हम कहते हैं बार्बर। तो ये अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना। खुदा हाफिज़।